फिरोजाबाद में पति पत्नी और विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक मामूली विवाद में एक शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और इस वारदात को अंजाम दिया अपने ही बेटे के सामने और फरार हो गया। देखिए पति पत्नी और मर्डर। एक बंद कमरा और कमरे के बाहर सिसकता बिलखता युवक, और जब खोला दरवाजा तो मच गया हड़कंप। कमरे में जगह जगह मिले खून के धब्बे और मिली खून से लथपथ एक महिला की लाश, जो अपनों के ही फरेब की हुई शिकार। पति ने लिख दी खूनी दास्तां। पत्नी को उतारा मौत के घाट। पति पत्नी वो और मर्डर। फिरोजाबाद के थाना शिकवाबाद की पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, घर के बाहर इकट्ठा थे लोग, और जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में पड़ी मिली खून से लथपथ एक महिला की लाश, और फिर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो खुल गया पूरा मामला। दरअसल शिकवाबाद के सिद्धार्थ एनक्लेव के रमेश नगर बैंकर कॉलोनी में आसाराम अपने परिवार के साथ रहता था, जो पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर है। परिवार में खुशियां थी, लेकिन इसी बीच आसाराम की नजर एक महिला से मिली और फिर आसाराम ने उस महिला से शादी कर ली। आसाराम की दूसरी पत्नी विनीता और उसका बेटा इसी घर में रहते थे। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता था, लेकिन उस रोज विवाद ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसके बाद आसाराम ने उठा लिया एक खौफनाक कदम। दरअसल कमरे के अंदर से जिसकी लाश बरामद हुई थी, वो लाश आसाराम की दूसरी पत्नी विनीता की है। विनीता के बेटे ने अपनी माँ की हत्या का आरोप अपने पिता आसाराम पर लगाया है, और साथ ही बताया कि इसमें उसका साथ दिया उसके सौतेले भाई ने। मृतका के बेटे ने बताया कि उसके पिता आसाराम ने उसकी मां विनीता से शादी की थी, जिसके बाद आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उसके पिता और मां में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। विवाद लगातार होता रहता था, और उस रोज भी विवाद हुआ था, जिसके बाद आसाराम अपनी पहली पत्नी के बेटे के साथ घर पहुंचा। लगातार पति पत्नी में लड़ाई होती रही। वहीं जब विनीता के सगे बेटे ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उससे भी मारपीट की गई, तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन इसी बीच एक गोली की आवाज आई। मृतका के बेटे ने आरोप लगाया कि उसके पिता आसाराम ने उसकी मां विनीता को गोली मार दी, और कमरे को बंद करके उसके पिता आसाराम और उसका सौतेला भाई फरार हो गया। वहीं विनीता ने कमरे में तड़प तड़प कर जान दे दी। मेरी मम्मी की हत्या हुई है, जिनका नाम विनीता है। किसने की है? मेरे पापा ने और मेरे सौतेले भाई ने। क्यों? इनका छोटा मोटा हमेशा विवाद होता रहता था, पर कल के दिन डैडी ने भैया को बुला लिया, उसका मेरे ऊपर हमला हुआ और मैं जैसे तैसे बचा, बाहर भगा तो मेरी मम्मी को मार दिया है। कितनी देर की घटना है ये? लगभग 11:30 के आसपास की बात थी, 5-10 मिनट में ये सब हुआ था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वही कातिल पति की तलाश में पुलिस जुट गई है, जिसने मामूली विवाद में अपने ही हाथों से अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर रख दिया और ले ली अपनी ही पत्नी की जान। ये प्रकरण थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दिया है और उसको दरवाजे के अंदर बंद करके भाग गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर तत्परता से पहुंची है, और जो जानकारी मिली उस व्यक्ति के पुत्र अंकित के द्वारा, उसके अनुसार उनके ही पिता, जिनका नाम आशाराम बता रहे हैं, उन्होंने अपनी ही पत्नी, जो कि दूसरी पत्नी है, उनको किसी बात पे काफ़ी विवाद हुआ और उसमें गोली मार के उनकी मृत्यु पारित कर दी और मौके से फरार हो गए।
फिलहाल पुलिस लगातार कातिल पति और उसके बेटे की तलाश में जुट गई है, जिसने महिला की हत्या कर दी और कमरे में बंद कर दोनों फरार हो गए। वही पुलिस मृतका के बेटे अंकित से भी लगातार पूछताछ कर रही है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फरार के साथ उनका एक बेटा भी है जो पहली पत्नी से पैदा हुआ था। ये दोनों लोग फरार हैं और मौके पे पुलिस बल मौजूद है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त की जा रही है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। इस वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है, जहां एक पति अपनी पत्नी के खून का प्यासा हो गया और मामूली लड़ाई झगड़े में पत्नी को उतार दिया मौत के घाट। तो वही बेटे के सामने हुए इस हत्याकांड ने उसका भी दिल दहला दिया है। उसे बस इंतजार है तो इंसाफ का। एबीपी गंगा के लिए फिरोजाबाद से कृष्णा की रिपोर्ट। झांसी